मित्रों अब हम मकर राशि के लिए बात करेंगे। मकर राशि जो शनि महाराज की राशि है, तो इस कुंडली के अंदर मकर राशि के लिए कैसा फल देगा यह मैं आपको बताऊंगा। मकर राशि में केतु चल रहे हैं, चंद्र और केतु साथ में है, बारहवें स्थान में यानी कि धनु राशि के अंदर शनि महाराज है, दसवें स्थान में तुला राशि के अंदर गुरु महाराज है और सातवें स्थान के अंदर राहु महाराज कर्क राशि में विराजमान है। तो पहले हम स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे, तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं मित्रों, आप कोई ऐसी चीज ना खाओ जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो, यानी इसमें इतना ध्यान रखें कि कोई नई चीज का यूज करने से पहले दो बार सोच लो कि कुछ नई चीज खाते हो जो कभी खाई नहीं है, तो आपको स्किन का तकलीफ आ सकता है। तो स्वास्थ्य में इतना ध्यान रखना है। दूसरे नंबर में स्वास्थ्य में आपको कंधे की बीमारी का योग भी इस समय दिख रहा है, तो मेरा तो इतना ही कहना है कि कुछ भी रहे तुरंत दवाई ले लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, हो सके तो अपने पास कोई भी हरा कलर रख के जाइए आइए, तो पूरे साल आपको जो भी बीमारी के योग बन रहे हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखो बीमारी आएगी लेकिन उसका उपाय भी है, लेकिन आने से पहले आप भगा लो तो उसको, तो उसके लिए आपको ग्रीन कलर अपने पास रखना है, तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपके पास बीमारी आए ही नहीं। हाँ, इससे आगे हम अब जो लोग अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए जानेंगे। तो अभ्यास वालों के लिए बता दूं कि आपके लिए अच्छा समय है ये, जितना बढ़ सकते हो उतना बढ़ो, आप बढ़ सकते हो आगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका मन जो है ना वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है अभ्यास के लिए, तो आपके मन को आपको बताना है कि अभ्यास में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि चंद्रमा पे केतु होने से आपका माइंड बिगड़ेगा, आपके जीवन के अंदर यह साल के अंदर कमी का एहसास होगा, यानी कितना भी आपको मिलेगा ना लेकिन कुछ ना कुछ कमी है, कमी है, कमी है, ऐसा रहेगा। तो कमी मत रखो, माइंड को ऐसा तैयार कर दो कि जो है मेरे पास वो सही है। अभ्यास के अंदर भी आपके पास समझो कि अभ्यास का मटेरियल कम है, आपके मित्र के पास मटेरियल ज्यादा है, तो चिंता मत करो, लास्ट में वो कमी का एहसास करोगे तो आपको अभ्यास में रुकावट या तो तकलीफ आ सकती है, लेकिन कमी का एहसास किए बिना आगे बढ़ो तो आपके मित्र से भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब एक चीज बताना भूल गया मित्र, सुख के लिए क्या है इस कुंडली के अंदर, सुख आराम। सुख किसको बोलेंगे, रुपया पैसा आएगा उसको ही सुख नहीं बोलेंगे, क्योंकि रुपया पैसा कितना भी होगा लेकिन आपको मन का शांति नहीं रहेगा तो वो रुपया भी काम का नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि रुपया बहुत होता है लेकिन खाने वाले भी नहीं होते, या तो शांति से 10 लोग रहने वाले होते घर में लेकिन 100 लोग साथ में बैठ भी नहीं सकते, इसको सुख नहीं बोलेंगे। सुख की परिभाषा ऐसी है कि शांति से आप बैठ के दो लोगों से अच्छी बात करके, घर वालों की प्रॉब्लम आप सुन के उसमें से आप निजात पा सको, तो वो उसको बोलेंगे सुख। तो इस कुंडली के अंदर सुख बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको मैंने पहले बोला कि कमी का एहसास मत करो, तो सुख अपने आप बढ़ सकता है और बढ़ते हुए मैं देख भी सकता हूँ। हाँ, इस समय के अंदर आप हो सके तो खान पान में भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका पेट अभी बढ़ेगा। मकर राशि वाले के लिए इतना बता दो कि खान पान में ध्यान रखना है, पेट बढ़ने के चांस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस समय खाने पे ध्यान। हाँ, हालांकि आपकी कुंडली में गुरु महाराज, पंचमेश, चतुर्थेश और लग्नेश ये सबकी परिस्थिति देख के इसका डिसीजन लिया जाता है, लेकिन ये मैं आपको कर्क मकर राशि के लिए इतना बता दूं कि इस समय खाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर में नौकरी के लिए बोले तो नौकरी इच्छुक इंसान के लिए अच्छा तो है, लेकिन नौकरी थोड़ी दूर मिल सकती है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, तो एक दो साल या ढाई साल आपको दूर भी रहना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चले जाओ आपके लिए फायदा रहेगा। हाँ, कई बार ऐसा भी हो कि आप घर से निकलो और जॉब के लिए सुबह समझो कि 6 बजे निकल जाओ, रात को 11 बजे भी आओ, ऐसी भी जॉब आ सकती है, तो उसमें चिंता किए बिना बढ़ो। शनि महाराज जैसे ही बता रहे कि शनि नौकरी चाकरी का कारक है, आप कर्म करो आगे बढ़ो, वो आपको फल देने वाले हैं। आपको लगेगा कि मुझे बहुत तकलीफ पड़ रही है, लेकिन 1.5-2 साल के बाद उसको उसका बेनिफिट आपको उस समय के अंदर आपको मिल सकता है, तो नौकरी वालों के लिए ये समय बेस्ट साबित हो सकता है।
अब बिजनेस के लिए बात करें तो बिजनेस के लिए बिजनेस स्थान के अंदर बैठे हुए गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज ऐसे तो बिजनेस में खराब फल देते हैं, लेकिन शत्रु के घर में बैठे हुए तो वो शुभ साबित हो सकते हैं, शुभ फल देने के लिए सक्षम है। हाँ, एक चीज और बता दो मित्रों, इस समय के अंदर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक में से दो बिजनेस, दो में से तीन बिजनेस, या तो अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो, अपना नाम देके आगे आप काम कर सकते हो, आपका बिजनेस बढ़ भी सकता है, बड़ा चौड़ा हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसी कुंडली होती है, ऐसी राशि वाले के लोगों के लिए अपनी जो दुकान हो, अपना बिजनेस हो, तो अगल बगल में या तो बी बगल वाले ही आप दूसरी जो शॉप होती है वो आप खुद भी परचेस कर सकते हो, ऐसे योग भी इस कुंडली में बन रहे हैं। हाँ, दूसरा एक बात बता दो, इस समय के अंदर आपके लिए मेरी सजेशन है कि डेली हो सके तो कुछ भी मीठी चीज खाइए मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग यानी सुबह नहा धो के, या तो आप हो सके तो सुबह चाय पीने के बाद आधे घंटे के बाद, या तो उठने के बाद 10-15 मिनट के बाद कुछ भी मीठी चीज खा के पूरा साल निकालो, तो आपके लिए मकर राशि वालों के लिए इतना अच्छा साबित होगा, इतना अच्छा साबित होगा कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं।